मैं दीप्ति शर्मा आज कक्षा 12वीं का आपको लेखा शास्त्र पढ़ाऊंगी। इसके पहले आपने लेखा शास्त्र की मुख्य विशेषताएं पढ़ी, अर्थ पढ़ा, परिभाषा पढ़ी, है ना। तो लेखा शास्त्र का सूचना सूत्र तो अर्थव्यवस्था की भाषा लेखांकन, सूचना का संवहन एक व्यवसायिक उपकरण में व्यवसायिक क्रिया के परिणामों की माप होता है। लेखांकन मतलब जिसमें जिस लेखा जोखा, है ना, अभिलेखन एवं सारांश प्रबंधन, स्वामी विनियोजन, लेनदार, देनदार, बैंकर्स, जो लेनदार होते हैं, देनदार्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, सरकार अथवा रखने वाले प्रत्येक पक्षकार में लेखांकन सूचनाओं का क्या होता है, संवहन एक साधन के रूप में ही करना सूचना सूत्र होता है। तो ये लेखांकन का एक सूचना सूत्र होता है। लेखांकन सूचनाओं के अतिरिक्त उसमें वह उपयोगकर्ता एवं उनकी आवश्यकताएं, लेखांकन सूचनाओं में एक आंतरिक एवं एक वाह उपयोगकर्ता होता है और उनकी आवश्यकताएं। लेखांकन सूचनाओं का उपयोग विभिन्न पक्षकारों द्वारा किया जाता है, जो उनका अभिलेखन मतलब आवश्यकता के अनुसार उनका लेखांकन सूचनाओं को, मतलब विभिन्न पक्षकार होते हैं जो अलग अलग, उनके द्वारा किया जाता है। सूचनाओं उपयोगकर्ता विभिन्न आवश्यकताओं के क्या होते हैं, भिन्न आवश्यकताओं को संतुष्टि करने के लिए उपयोगकर्ताओं को कितने भागों में, दो भागों में क्या किया गया है बेटा, वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में। तो पहला है आंतरिक उपयोगकर्ता और दूसरा है वह उपयोगकर्ता। तो आंतरिक उपयोगकर्ता जो होता है व्यवसायिक संस्थानों के प्रबंधन एवं संचालन के, मतलब जो कोई भी व्यवसाय होता है, कोई भी संस्था होती है, उसके प्रबंधन एवं उसके संचालन में वो प्रत्यक्ष रूप से लगे व्यक्ति आंतरिक उपयोगकर्ता कहलाते हैं। मतलब किसी व्यवसाय में, उद्योग में, संस्था में जो संचालन में प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब दिखाई देने वाले, है ना, जो लगे रहते हैं व्यक्ति, वे आंतरिक उपयोगकर्ता क्या कहलाते हैं, उपयोगकर्ता कहलाते हैं। जैसे संचालक प्रबंधक, जो किसी भी संस्था या किसी भी व्यवसाय के लिए जो होता है संचालक प्रबंधन अधिकारी, साझेदार, तो जिस उद्योग का कोई संचालक होता है उसके साझेदार होते हैं। व्यवसाय संस्था का उपक्रम के कुशल संचालन के लिए प्रकाशित खाता, मतलब जो व्यवसाय को संस्था होती है उसके उपक्रम के संचालन के लिए जो प्रकाशित खाते होते हैं, जैसे व्यापार एवं लाभ हानि खाता। तो जो व्यापार होता है, मतलब कोई भी उद्योग शुरू करते हैं तो जैसे कोई व्यक्ति उस व्यापार में लाभ और हानि खाता, चिट्ठा, रोकड़ प्रवाह का वितरण आदि प्रयोग किया जाता है, मतलब उपयोगकर्ता द्वारा किया जाता है। फिर उसमें वस्तु की लागत में वृद्धि होगी या कमी की गति, वस्तु की लाभ होगा या कमी के कारण भविष्य में विक्रय आवर्तन एवं लाभ के अनुमानों का आसानी से क्या लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। आंतरिक उपयोगकर्ता प्रकाशित एवं अप्रकाशित, मतलब जो आंतरिक उपयोगकर्ता होता है ना, वो प्रकाशित एवं अप्रकाशित सूचनाओं का प्रयोग करते हैं, परंतु उनके उपयोग की अनुमति नहीं होती, वह उपयोगकर्ता कहलाता है। जो उसमें जो उपयोगकर्ता होता है उसे वस्तु की लागत में क्या करता है, वृद्धि की गति, लाभ भी प्रदान करता है और उसके कारण भविष्य में विक्रय एवं आवर्तन और लाभ के अनुमानों को, जो मतलब भविष्य में आपको लाभ होगा, हानि होगा, तो उनके अनुमानों का आसानी से क्या लगाता है, पता लगा सकता है। और आंतरिक उपयोगकर्ता प्रकाशित, मतलब जो चीज़ प्रकाशित होती हो रही है और जो अप्रकाशित है, सूचनाओं का उपयोग करते हुए उनके प्रयोग की अनुमति नहीं होती वह उपयोगकर्ता, ठीक है। फिर वह उपयोगकर्ता किसी व्यवसायिक उपकरण, तब जो वह उपकर्ता होता है किसी व्यवसायिक कर्म में या उद्योग में वर्तमान एवं भविष्य हित में रखने वाले व्यक्ति, संस्था प्रबंधन का कोई अंश वह उपयोगकर्ता कहलाते हैं। मतलब जो संस्था के हित में रखने
लेखांकन के सूत्र में वह उपयोगकर्ता किसी व्यवसायिक उपकरण है उसके हित में व्यक्ति जिनका संस्था के प्रयोगों में अंश नहीं वह उपयोगकर्ता कहलाते हैं। तब जो बाहर है ना भविष्य हित में रखने वाले व्यक्ति जिनका संस्था प्रबंधन में कोई अंश नहीं होता वह उपयोगकर्ता कहलाते हैं। उपयोगकर्ताओं में व्यवसाय के स्वामी, विनियोगकर्ता, लेनदार, कर्मचारी, सरकार, अनुसंधानकर्ता एवं जनता क्या होती है, शामिल होती है। तो सबसे पहले जो वह उपयोगकर्ता में शामिल है वो कौन है, स्वामी। किसी भी व्यवसाय में शुरू करने के लिए सबसे पहले स्वामी ही शुरू करेगा, कोई भी उद्योग शुरू करेगा तो ना। तो व्यवसाय के वर्तमान विनियोगकर्ता एवं स्वामी व्यवसाय की लाभदायक पर विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जब अपन कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपन लाभ के बारे में सोचते हैं, तो उस लाभ की जानकारी लेने के लिए व्यवसाय को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्वामी एक विशेषता के बारे में जानकारी लेता है। कारण कौन सी विशेषता के बारे में, कि लाभदायक है कि नहीं। लाभ की कमियां वृद्धि, संपत्ति में कमियां वृद्धि आदि की सूचनाएं काय पर प्राप्त होती हैं, लेखांकन द्वारा प्रकाशित लेखों से क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। दूसरा है संभावित विनियोगकर्ता, ये दूसरा है बेटा संभावित विनियोगकर्ता। संभावित विनियोगकर्ता धन में विनियोजन में जोखिम उठाता है, तो विनियोग कर रहा है अपन किसी व्यवसाय में, अगर आप व्यय कर रहे हो, विनियोग कर रहे हो, सबसे पहले आप ये उसमें क्या कर रहे हो, जोखिम उठा रहे हो बेटा, उसमें लाभ होगा या हानि होगी ये निश्चित नहीं होता, इसलिए विनियोजित करता जोखिम उठाता है। एक विनियोगकर्ता अपने धन की सुरक्षा व आय का सबसे अधिक ध्यान देता है, मतलब जो अपनी धन की सुरक्षा है और आय उसके लिए एक स्वामी के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। किसी उपकरण में वित्तीय विवरण, लेखांकन, आवश्यक सूचनाएं प्रदान करने, इन्हीं सूचनाओं के आधार पर यह क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। किसी फर्म को साझेदार बनाने या किसी कंपनी के अंशधारी कृत के लाभ को अनुमान में क्या होता है, संभावित नियुक्ता करता है, मतलब जो संभावित होता है वही नियुक्ता लगाता है। किसी फर्म की साझेदार बनने या किसी कंपनी के अंशधारी के लाभ का अनुमान संभावित हो तभी वह नियुक्ता उस पर क्या करता है, अपना विनियोग करता है, काय का, अपनी धन का, है ना। फिर है लेनदार, एक ऐसे व्यक्ति जो माल अथवा सेवा उधार पर देते हैं, मतलब एक ऐसे व्यक्ति जो अपन किसी व्यवसाय को शुरू करेंगे तो एक ऐसा व्यक्ति जो माल अथवा सेवाओं को उधार देता, अपन कोई भी व्यवसाय करेंगे तो अपन अपनी पूंजी नहीं लगा पाते बेटा, लेकिन अपन को लेनदारों की भी क्या होती है, आवश्यकता। एक ऐसे व्यक्ति जो माल अथवा सेवाओं के आधार पर लेनदार कहलाते हैं जो उधार देते हैं ना। जब किसी संस्था के साथ क्षमता संदिग्ध नहीं होती तो लेनदार बेहिचक माल व सेवा उधार देते हैं, मतलब अपन किसी जान पहचान व्यक्ति पर अपन को मतलब संदेह ना हो तो अपन उस व्यक्ति को, लेनदार को बेहिचक माल और सेवाएं उधार देते हैं। यहाँ पर साफ सीमा में सुरक्षा बिंदु तक बढ़ाते हैं। लेखांकन सूचनाएं, मतलब जो लेखांकन सूचनाएं होती है व्यवसायिक संस्था की, मतलब जो भी संस्था होती है उसकी व्यवसाय उसमें एक लेखांकन भी होता है, लेखांकन पुस्तक है ना। तो सूचनाओं में वित्तीय क्षमता का सहज अनुमान लगाने के लिए कहा कैसे होते हैं, सहायक सिद्ध होते हैं। फिर होता है ऋणदायी संस्थाएं। बैंक एक विशिष्ट वित्तीय संस्था किसी भी व्यवसायिक संस्था को ऋण अदायगी क्षमता के आधार पर ऋण प्रदान करती है, लेखांकन सूचना उपलब्ध कराता है। जो ऋणदायी संस्था होती है, जैसे अपन किसी भी व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए अपन के पास इतना पर्याप्त अगर पूंजी नहीं है तो अपन को क्या लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा। तो ऋण लेने के लिए अपन कहाँ जाएंगे, बैंक जाएंगे। तो बैंक एक विशिष्ट वित्तीय संस्था या बैंक या किसी विशिष्ट संस्था से अपन क्या लेते हैं, व्यवसायिक ऋण ले लेते हैं। संस्था के लिए ऋण अदायगी क्षमता के आधार पर अपन को क्या प्राप्त होता है, ऋण प्रदान करती है, काय के लिए, व्यवसाय के लिए, उसके भी लेखांकन पर यह सूचना उपलब्ध करती है। सरकार,
सरकार लेखांकन सूचनाओं के आधार पर ही आय बिक्री कर, उत्पादन शुल्क, अन्य करों का क्या करती है, निर्धारण कर उन्हें प्राप्त करती है। तब जब अपन कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं तो अपन को उसमें क्या करना पड़ता है, कर भी देना होता है ना, क्योंकि सरकार को इसमें। तो सरकार लेखांकन सूचनाओं के आधार पर, जो लेखांकन सूचनाएं होती हैं उसके आधार पर सरकार बिक्री कर, आय कर और उत्पादन शुल्क आदि करों का निर्धारण कर उन्हें प्राप्त करती है। मतलब वो वस्तुओं के आधार पर उन पर क्या लगाए जाते हैं, कर लगाए जाते हैं और उन करों का निर्धारण करके उन्हें प्राप्त करती है। तो लेखा सच्चा एवं उचित चित्र प्रस्तुत करके सरकार ऐसा चाहती है, मतलब जो सरकार को लिए जो लेखा होता है वह सच्चा होना चाहिए, उचित व चित्र प्रस्तुत करके सरकार ऐसा चाहती है। फिर है कर्मचारी। संस्था में कार्यरत कर्मचारी अपने कार्य को बदले उच्च वेतन एवं बोनस देने की मांग करते हैं। अपन कोई व्यवसाय करते हैं तो अपन क्या करते हैं, कर्मचारी भी रखते हैं, है ना। तो संस्था में कार्यरत कर्मचारी अपने कार्य के बदले में उच्च वेतन एवं बोनस देने की भी क्या करते हैं, मांग करते हैं। इसमें अधिकतम लाभ अर्जन पर ही संभावना होता है। कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा भविष्य निधि खाते में क्या करते हैं, जमा करते हैं और लेखांकन सूचना कर्मचारियों के इन लाभों को क्या करती है, प्रदान करती है। सातवां है अनुसंधानकर्ता एवं शोधकर्ता। अनुसंधान एवं शोध, किसी भी व्यवसाय में अनुसंधान एवं शोध व्यावसायिक लेखांकन सूचना की उपयोगिता पर निर्भर करता है। मतलब किसी भी लेखांकन में, व्यावसायिक में अनुसंधान या शोध आवश्यक है, उसकी उपयोगिता है सूचनाओं के आधार पर उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। लेखांकन सूचना किसी व्यवसाय की वित्तीय क्रिया का दर्पण होती है। मतलब जो लेखांकन सूचनाएं होती हैं वो भी किसी भी उद्यम या किसी भी मतलब संस्था का क्या होती है, वित्तीय क्रियाओं का दर्पण होती है। ऐसा शोधकर्ता क्रियाओं का गहन अध्ययन कर लेखांकन सूचनाओं का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जो शोधकर्ता होते हैं ये क्रिया पर, इन क्रियाओं पर गहन अध्ययन करते हैं, उसके बाद लेखांकन सूचनाओं का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आठवां है आम जनता। आम जनता लेखांकन सूचना के आधार पर व्यवसाय, कृषि रोजगार के अवसर, स्वच्छता, प्रदूषण, नियमों का उल्लंघन, जन कल्याण को प्रधानता देती है। मतलब जो आम जनता है वो लेखांकन सूचनाओं के आधार पर ही व्यवसाय करती है। कृषि रोजगार के अवसर, स्वच्छता, प्रदूषण, नियमों का एवं जन कल्याण क्या कहते हैं, प्रधानता देती है। जनता भारतीय लेखकों और प्रतिवेदन के माध्यम से यह जानने का प्रयास करते हैं कि कंपनी या संस्था को कितना लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रत्येक संस्था का एक सूचकांक संवाहन तंत्र होता है। मतलब कोई भी संस्था है उसका एक अपना सूचन संवाहन तंत्र होता है। इस तंत्र के माध्यम से लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करने में पक्षकार वित्तीय निर्णय लेते हैं। मतलब जो संस्था होती है उसका एक संवाहन तंत्र होता है ना, तंत्र के माध्यम से ही लेखांकन सूचनाओं का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है और से पक्षकार जो होते हैं, संस्था के पक्षकार जो होते हैं वह वित्तीय निर्णय लेते हैं। किसी भी संस्था के वार्षिक वित्तीय वर्णों के द्वारा उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार, मतलब जो वित्तीय संस्था के आर्थिक वार्षिक वर्णों के द्वारा जो उपयोगकर्ता होते हैं, उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार अनेक चित्रों व विश्लेषण का अध्ययन करते हैं और सूचनाओं को अधिक से अधिक अर्थपूर्ण एवं उपयोगी क्या करते हैं, बनाते हैं। वे लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं। तो ये आप अभी आप पढ़ रहे थे वह अनुसंधानकर्ता जो होता है, वह उपयोगकर्ता होता है, उनकी क्या क्या चीज, उनमें क्या क्या शामिल होते हैं के बारे में आपको भी जानकारी दी। तो उनके आठ जो हैं, है ना, उपयोगकर्ता हैं वो इसमें, मतलब उपयोगकर्ता हैं जो बैंकर्स के लिए क्या होते हैं, सहायक, लेखांकन के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं। फिर है लेखांकन सूचना की गुणात्मक।
अंकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं और के निर्धारित करने वाले तत्व। तो पहला होता है, अगर किसी भी लेखांकन में आप सबसे पहले विश्वास विश्वसनीयता है ना, तो लेखांकन सूचनाओं में विश्वसनीयता होना आवश्यक है ना। सूचनाओं और प्रामाणिक से मतलब जो प्रामाणिक सिद्ध करने किया जा सकता है और प्रामाणिक माना जा सकता है। सूचनाएँ व्यवसाय में प्रयोग किए गए विभिन्न अपराधों पर आधारित होती हैं। कैश मेमो, क्रय विक्रय, बीजक, अनुबंध पत्र, व्यवहार आदि इन लेखों के आधार पर सूचनाओं की क्या की जाती है, जांच की जा सकती है। फिर अनुरूपता। अनुरूपता वित्तीय विवरण में लेखांकन सूचनाओं द्वारा स्थापित उद्देश्यों के अनुरूप, मतलब जो वित्तीय लेखांकन होते हैं वो सूचना संस्था द्वारा स्थापित उद्देश्यों के अनुरूप होती हैं। अनुरूप सूचनाओं के साथ ऐसी सूचना व्यवसाय के सभी पक्षकार भिन्न भिन्न निर्णय लेने में क्या होते हैं, सहायता प्रदान करती हैं। इनका प्रयोग निर्णय लेने के लिए किया जाता है। ऐसी सूचनाएं आवश्यक और अनुपयुक्त होती हैं। प्रत्येक अतिथि में लेखक लेखांकन सूचनाओं की स्थिति के अनुरूप होता है। वित्तीय विवरणों को क्या करता है, प्रदर्शित करने में सूचना में किसी प्रकार के लिए सामान्य होती है, वही सूचना किसी अन्य प्रकार के लिए तेज हो सकती है। सूचना का सामान्य होना या विशेष होना उन उपयोगकर्ता में उद्देश्य पर निर्भर करता है। फिर तीसरा है समझ में आने योग्य बोधगम्यता, मतलब लेखांकन सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण ऐसा होना चाहिए, इतना सरल व तर्कसंगत होना चाहिए कि व्यवसाय के हित में कोई भी व्यक्ति उसे सरलतापूर्वक देख सके, समझ सके। तो ऐसी सूचनाओं देने में केवल एक ही व्यक्ति क्या कर सकता है, इसको समझ सकता है। वही व्यक्ति समझ सकता है जिसे लेखांकन की शब्दावली का ज्ञान हो। तो लेखांकन कैसे होने चाहिए, इनका गुण कैसा है, लेखांकन में समझ योग्य और बोध्यगम्यता है ना। तो इनमें तर्कसंगत होने चाहिए, लेखांकन की सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए, सरल तर्कसंगत होना चाहिए। व्यवसाय के हित में कैसे होने चाहिए, ये सरलता पूर्वक इनको क्या किया जा सके, समझा जा सके। सूचना देने में केवल एक ही व्यक्ति से समझ सके। इन्हें लेखांकन की शब्दावली का क्या होता है, ज्ञान होता है। जो कौन समझ सकते हैं, केवल जिनको लेखांकन की शब्दावली का ज्ञान होता है वही लेखांकन समझ सकते हैं। ऐसी सूचनाओं को प्रदर्शित करने पर उनका स्पष्टीकरण देकर इतने सरल ढंग से प्रस्तुत करें, ऐसी सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए स्पष्टीकरण देकर इतने सरल ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि सामान्य व्यक्ति सूचना को समझ सके। फिर तुलनात्मक तैयार करने समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चालू वर्ष में स्थापित लेखांकन की सूचना गत वर्ष की सूचना की तुलना में प्रस्तुत किया जाना उपयुक्त होगा। तब जो चालू वर्ष है वह गत वर्ष की सूचना के तुलना के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यह उपयुक्त होगा। आंकड़ों को तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुत किए जाने से व्यवसाय में भावी योजनाओं को तैयार करने में क्या होती है, आसानी होती है। मतलब अपन कोई व्यवसाय चला रहे हैं, अगर अपन को इस वर्ष लाभ या हानि है तो अपन लाभ और हानि को मतलब देखने के लिए पिछले वर्ष के आधार पर अपन को भावी योजनाओं को क्या कर सकते हैं कि अपन को उससे ज़्यादा लाभ हो, तो योजनाओं को क्या कर सकते हैं, तैयार करते हैं कर सकते हैं। और इस योजना को तैयार करने में ये आसानी होती है और व्यवसाय की कमियों को पता लगाने के लिए और सुधार किया जा सकता है। तो बेटा आपने ये तीन चीज़ पढ़ी आज है ना, लेखांकन की गुणात्मक विशेषता है, बाह्य उपयोगकर्ता है और लेखांकन के स्रोत। तो आपको गृह कार्य है लेखांकन सूचना की गुणात्मक विशेषताओं को समझाइए। इसका पूरा क्वेश्चन कर लेखांकन सूचनाओं मतलब जो लेखांकन है उनकी सूचनाओं हैं जो होती हैं उनकी गुणात्मक विशेषताओं को समझाइए और उनके बाह मतलब उनके उपयोगकर्ता कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, उनका भी आप क्या करिए वर्णन करिए, कॉपी में लिखिए। ठीक है, ये आपका गृह कार्य है। आशा है आपको आज का